हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल और मैं हूं आपका एडुकेटर अरविंद। और आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम क्लासिफिकेशन का पार्ट थर्ड। देखो, पार्ट दो हम अब तक कर चुके हैं। एक पार्ट हमने किया था लेटर क्लासिफिकेशन का और सेकंड पार्ट हमने किया था नंबर क्लासिफिकेशन का। ठीक है, तो चलिए आज शुरू करेंगे हम अपने वर्ड क्लासिफिकेशन के साथ में। ठीक है, पहले मैं बता देता हूँ कि देखो वर्ड क्लासिफिकेशन, जैसे वर्ड एनालॉजी के अंदर हमने इसको कैटेगराइज में, इसको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया था, सेम यहाँ पर ऐसा होगा। क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कहीं से भी पूछे जा सकते हैं, जैसे कि हिंदी हुआ और इंग्लिश हुआ है आपके पास। ठीक है, आपका साइंस का सारा पोर्शन है, आपका जीएस और जीके का पोर्शन हुआ है। ठीक है, और भी हमारे पास बहुत सारी चीज़ें आती हैं, नेशनल इवेंट हो गए हैं, नेशनल डेज हो गया है, नेशनल स्पोर्ट्स हो गया है। इस तरीके से हमारे पास बहुत सारी कैटेगरी होती हैं वर्ड्स क्लासिफिकेशन के बारे में। तो चलिएगा, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस के साथ हम प्रैक्टिस करते हैं, देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, देखो क्वेश्चन करने से पहले क्वेश्चंस का स्ट्रक्चर आपको पता ही है, क्योंकि दो लेक्चर हम अब तक कर चुके हैं। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन क्या कि फाइंड द ऑड वन फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव। मतलब कि भाई आपके पास तीन वर्ड ऐसे होंगे जो एक कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और एक वर्ड ऐसा होगा जो उस कैटेगरी में बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, तो बस हमें वही ढूंढना होगा। अब देखिएगा, जैसे पहला ऑप्शन हमारे पास है हाइलाइटर, पेन, पेपर और मार्कर। अब देखो, हाइलाइटर हुआ, पेन हुआ और मार्कर हुआ, तो आप इन्हें यूज़ करते हो कुछ ना कुछ लिखने के लिए। ठीक है, या ये कह सकते हो कि ये तीनों कहाँ से बने हैं, इंक से बने हैं। ठीक है, लेकिन पेपर ऐसा नहीं होता है, पेपर पर हम यूज़ करते हैं लिखने के लिए। ठीक है ना, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर तीन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिएगा अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास वॉशिंगटन, न्यूयॉर्क, लास वेगास और सिडनी। अब देखो, यहाँ पे जो एक ऑप्शन है, दूसरा है और तीसरा है, ये तीनों ही तीनों क्या हैं, ये तीनों ही तीनों यूएस की सिटीज़ हैं। ठीक है, लेकिन सिडनी, सिडनी कहाँ की है, ये है आपके पास का ऑस्ट्रेलिया की। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, सिडनी, ऑप्शन नंबर चार हो जाएगा। ठीक है, चलेगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वाड्रिलेटरल, क्यूब, स्क्वायर और ट्रायंगल। अब देखो भैया, क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज में आप कुछ भी बनाओ तो वो रहेगा तो 2D इमेज, स्क्वायर भी रहेगा 2D इमेज, ट्रायंगल भी 2D रहेगा। लेकिन यहाँ पे जो घन है वो एक ऐसा फिगर है जो कैसे बनता है, 3D इमेज में। कैसे बनेगा वो, 3D इमेज में। तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा वो रहेगा घन। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन भी कुछ ऐसे ही है जैसे कि स्क्वायर। ठीक है, अब स्क्वायर ये भी आपके पास क्या होता है, 2D। स्फीयर, स्फीयर होता है गोला, तो ये आता है आपके पास 3D में। सर्कल भी आपके पास 2D में होता है और रेक्टेंगल भी आपका 2D में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा स्फीयर गोला। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, मीटर, किलोमीटर, डेसीमीटर और एमीटर। अब देखो, मीटर हुआ, किलोमीटर हुआ और डेसीमीटर हुआ, ये तो हम क्या है, लेंथ मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये लेंथ मेज़र करने की यूनिट्स हैं। लेकिन एमीटर क्या है, इसको तो हम यूज़ करते हैं करंट के लिए, इसका मतलब ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर चार, एमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, जनवरी, अप्रैल, जुलाई एंड मई। अब देखो भैया, जनवरी में होते हैं 31 दिन, ठीक है, और अप्रैल में होते हैं 30 दिन, जुलाई में होते हैं 31 दिन और मई में भी होते हैं हमारे पास 31 दिन। तो तीन महीने ऐसे हैं जिसमें 31 वाले दिन होते हैं, लेकिन एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें 31 के दिन नहीं होते। ठीक है, तो अप्रैल यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारे लिए सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलेगा अगला क्वेश्चन है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, टीचर एंड स्टूडेंट। मतलब देखो, टीचर और स्टूडेंट का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, केमिस्ट्री एंड साइंस, इसका भी कॉम्बिनेशन होता है, हिस्ट्री और मैथमेटिक्स। अब भाई, हिस्ट्री और मैथमेटिक्स का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है,
ठीक है, एयर और ऑक्सीजन, इसका भी कॉम्बिनेशन। तो हिस्ट्री और मैथमेटिक्स का कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं है, तो ये हमारे लिए उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बाकी तीन कहीं ना कहीं आपस में कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन बनाते हैं। ठीक है, चलिए काफ़ी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारे पास थ्रोट, आई, ईयर और स्किन। देखो, अगर मैं यहाँ पर फाइव सेंस ऑर्गन की बात करते हैं हम, तो आई सेंस ऑर्गन के अंदर आएगा, ईयर आएगा और स्किन आएगा, लेकिन जो गला थ्रोट है वो सेंस ऑर्गन नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर एक हमारे पास उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना बात? देखिएगा, अगला क्वेश्चन है हमारे पास किलोग्राम और क्विंटल, टन और गैलन। अब देखो, किलोग्राम ये मेजरिंग यूनिट होती है किसकी? वेट की। अब क्विंटल से भी वजन नापा जाता है, ठीक, क्विंटल में भी वजन नापा और टन में भी। ये कह सकते हो कि यहाँ पर इन तीन में सबसे जो छोटी है वो क्विंटल है, उसके वो सॉरी किलोग्राम है, उसके बाद क्विंटल आएगा, उसके बाद टन आएगा। लेकिन गैलन, गैलन जो यू मेजर जो गैलन में जो मेजर होता है वो क्या होता है? आपके पास वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम के लिए यूज की जाती है गैलन। इसका मतलब यहाँ पे ऑप्शन नंबर चार उत्तर होगा, क्योंकि बाकी जो तीन है वो वेट को मेजर करने के लिए काम आती है। ठीक है, और गैलन वॉल्यूम के लिए आएगा। ठीक, चलिएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर तबला, तानपुरा, सरोद और एवं सितार। अब देखो, तानपुरा, सितार और सरोद, ये तीनों के तीनों ऐसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं जिसमें स्ट्रिंग यूज होती है, मतलब तार यूज होते हैं, मतलब तार के साथ कॉम्बिनेशन बना के म्यूजिक कंपोज किया जाता है। ठीक है, लेकिन तबला, तबला क्या होता है? बिना तार का होता है। ठीक है, इसको मतलब ऐसे मान के चलो, इसको तो रख के इसको पीटा जाता है, तब वहाँ से साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर एक जो है यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, तबला। ठीक है, चलेगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे हमारे पास वुल्फ, कैच, डॉग एंड फॉक्स। अब देखो, यहाँ पे ये जो तीन ऑप्शन है, वुल्फ, डॉग और फॉक्स, ये कह सकते हैं कि ये एक ही कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जबकि कैट को कहा जाता है कि वो टाइगर फैमिली से बिलोंग होता है। ये वुल्फ, डॉग और फॉक्स ये सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं। ठीक है, चलिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास न्यूरोलॉजिस्ट। तो न्यूरोलॉजिस्ट तो वो हो गया भैया जो नर्वस सिस्टम को ट्रीटमेंट करता हो, ठीक है ना। डेंटिस्ट हो गया दांतों वाला, आर्किटेक्ट हो गया जो घर बनाता है, बिल्डिंग बनाता है, ठीक है, और पेडियाट्रिशियन हो गया है जो बाल रोग बच्चे वाला होता है। तो यहाँ पे तीन की तीन डॉक्टर हैं, सिर्फ एक को छोड़ के आर्किटेक्ट को, तो आर्किटेक्ट उत्तर हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो न्यूरोलॉजिस्ट हो गया हमारे पास नर्वस सिस्टम के लिए, ठीक है, डेंटिस्ट वाला हो गया हमारे पास टीथ के लिए, और पेडिसिन हो गया, ये हो गया आपके पास चाइल्ड वाला। ठीक है, लेकिन ये उत्तर, ये जो हमारे पास ऑप्शन नंबर तीन है आर्किटेक्ट, ये मकान वगैरह, बिल्डिंग वगैरह, ठीक है, उस तरह का कंस्ट्रक्शन का काम होता है। ठीक है, चलिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, एलजेब्रा और मैथमेटिक्स। अब देखो, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री और एलजेब्रा, अगर आप इसको कंबाइन करो तो वो कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स के अंदर आता है। तो ये कह सकते हैं कि ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री और एलजेब्रा ये तो मैथमेटिक्स की यूनिट्स हैं, ये तो यूनिट्स हैं, और मैथमेटिक्स अपने आप में पूरा एक सब्जेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर चार आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये छोटे छोटे यूनिट्स हैं और यहाँ पे पूरा का पूरा सब्जेक्ट है। क्लियर, चलिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास टमाटो, पोटैटो, कैरेट एवं रेडिश। तो ये तो टमाटर, अब देखो आलू, गाजर और मूली, ये क्या है? ये आपका जमीन के अंदर होगा, ठीक है, जमीन के अंदर होगा, लेकिन टमाटो जो है वो ऊपर एज ए फ्रूट की तरह आएगा। तो यहाँ पे जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, टमाटर। ठीक है, क्लियर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास मार्च, मई, जून एवं दिसंबर। अब मार्च में तो दिन होते हैं 31, मई में भी दिन होते हैं 31, जून का महीना तो ये चल ही रहा है और इसमें दिन होते हैं 30, और दिसंबर में होते हैं 31। तो ऑप्शन नंबर तीन क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये 30 का महीना है, बाकी सारे के सारे 31 वाले महीने हैं। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है हमारे पास थर्मोमीटर, ठीक है। तो भैया थर्मोमीटर से क्या मेंशन वो मेज़र करते हैं हम, ये करते हैं हम टेम्परेचर, ठीक है। बैरोमीटर से ये करते हैं भैया प्रेशर। डायामीटर से ये तो सर्किल का होता है, और हाइगोमीटर से हम करते हैं मेज़र नमी, ठीक है। तो डायामीटर उत्तर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि डायामीटर यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ठीक है, क्लियर चलेगा। अगला क्वेश्चन है मून, मार्स, वीनस एवं जुपिटर। अब मार्स मंगल ग्रह है, वीनस शुक्र ग्रह है, और जुपिटर बृहस्पति ग्रह है, ठीक है। मून जो चंद्रमा है वो तो ग्रह है ही नहीं है, ठीक है, वो तो ग्रह ही नहीं, वो तो सैटेलाइट का काम करता है हमारे लिए। तो भैया ऑप्शन नंबर एक उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है यहाँ पे मैन और गैराज। अब देखो मैन और गैराज का कोई संबंध नहीं है, क्योंकि गैराज जो होता है वहाँ पे तो कार खड़ी करी करते हैं, ठीक है। पिग स्टाई, ये पिग का घर होता है, ठीक है, जहाँ रहते हैं पिग। हॉर्स के घर को स्टेबल कहते हैं, काउ के घर को शेड कहते हैं। तो उसका मतलब भैया मैन वाला जो है वो उत्तर हो जाएगा हमारे लिए, क्योंकि मैन भाई मैन अपने हिसाब से अलग अलग घर में रहता है भाई। कोई हाउस है, किसी के पास बंगला है, किसी के पास फ्लैट है, किसी के पास अपार्टमेंट है, किसी के पास विला है, अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये इररेलेवेंट है। तो बाकी के तीन ऑप्शन 2, 3, 4 सेम कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, और ऑप्शन नंबर एक यहाँ पर बिल्कुल अलग हो जाता है, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन है यहाँ पे हमारे पास टेम्पल वर्शिप मॉस्क्यू एंड चर्च। अब देखो टेम्पल में आप क्या करने आते हो, पूजा करने जाते हो। मॉस्क्यू, मॉस्क्यू में भी मतलब एक टाइप की पूजा होगी भाई, नमाज पढ़नी है। और चर्च, चर्च में भी क्या आपको प्रेयर करनी है, लेकिन है तो एक टाइप की पूजा। अब ये सब क्या है, ये तीनों के तीनों प्लेस हैं, जगह के नाम हैं, लेकिन पूजा एक कॉमन है इनमें। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, वर्शिप अलग हो जाएगा, यहाँ पे वर्शिप उत्तर हो जाएगा पूजा, ठीक है चलेगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे डिस्टिंग्विश मतलब भेद करना, मतलब अलग अलग करना, ठीक है। और स्कैटर मतलब ये भी बिखेरना हो गया, डिफ्रेंशिएट, ठीक है, डिफ्रेंशिएट ये भी अलग अलग करना होगा, और क्लासिफिकेशन। अब देखो जो क्लासिफिकेशन होता है इसको अलग तो करना होता है, लेकिन इसको ग्रुप्स में डिवाइड करना होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि कुछ भी अलग कर दो तो ग्रुप में। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है चलिएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारे पास एशिया, कनाडा, यूरोप एंड अफ्रीका। अब देखो एशिया भी कॉन्टिनेंट है, यूरोप भी कॉन्टिनेंट है, और अफ्रीका भी कॉन्टिनेंट है, बट कनाडा तो एक कंट्री है ना, ये तो कॉन्टिनेंट है, ये तो कंट्री है। तो उसका मतलब ऑप्शन नंबर जो 2 है वो उत्तर हो जाएगा कनाडा, ठीक है चलिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास शिमला, ऊटी, दार्जिलिंग और आगरा। अब देखो शिमला ये भी हिल्स एरिया है, ऊटी भी हिल्स एरिया है, और दार्जिलिंग भी हिल्स एरिया है, लेकिन आगरा कैसा है, एकदम प्लेन है, ठीक है, प्लेन है। तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा आगरा, ऑप्शन नंबर 4, क्लियर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है डाइविंग। डाइविंग मतलब होता है गोताखोरी, ठीक है, गोताखोरी मतलब जो गोताखोर होते हैं जब कोई किसी नदी में या बड़े जहाँ पे पानी होता है और वो डूब जाते हैं, तो डाइवर्स को भेजते हैं, ठीक है। तो ये गोताखोर, अगर स्विमिंग तैरना हो गया है, और सेलिंग चलाना हो गया है, मतलब क्या चलाना, जैसे कि नाव होती है उसको सेल करना हो गया, ठीक। लेकिन अभी यहाँ पे क्या है, ड्राइविंग यहाँ पे बिल्कुल सबसे अलग हो जाएगा, क्योंकि ये सब तीनों के तीनों पानी से रिलेटेड हैं, लेकिन ड्राइविंग तीनों से अलग हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, क्लियर है चलिएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे पास है कंज्यूमर, परचेजर, रिटेलर और बायर। अब देखो कंज्यूमर कौन होता है, कंज्यूमर वो होता है जो चीज़ को कंज्यूम करता है, मतलब जो खरीद के लाएगा। परचेजर भी वही है भाई, उसने खरीदा है, और बायर भी वही है। तो अगर देखें ये तीनों की तीनों टर्म एक जैसी ही है, मतलब एक ही बात को इंडिकेट करते हैं, लेकिन रिटेलर ये बिल्कुल अलग हो जाता है। क्यों, क्योंकि ये तो सेलर का काम करेगा, ये तो बेचने वाला है, और ये सब क्या है, खरीदने वाले हैं, ठीक है क्लियर। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो उत्तर हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर एस्प्रेसो, टी, कैपेचिनो एंड लाते।
अब देखो भैया, एस्प्रेसो, कैपाचिनो और लाते, ये जो तीन ऑप्शन हैं ये कॉफ़ी के डिफरेंट डिफरेंट वर्जन हैं। ये क्या हो कि अगर आप कॉफ़ी पीने जाते हो सपोज, ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कि आपको क्या पीनी है कॉफ़ी में, एस्प्रेसो वाला टेस्ट करना है, आपको कैपेचिनो वाला करना है, या आपको लाते करना है, ठीक है। तो भाई ये तो तीनों एक ही टाइप की कॉफ़ी है, लेकिन चाय यहाँ पर अलग हो जाएगी। जैसे कि कुछ चाय लवर होते हैं ना, एकदम चाय के शौकीन, दीवाने एकदम, दिन में 10 बार चाय पियेंगे, एक एक गिलास भर भर के, ठीक है, तो चाय उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, रुपी, पाउंड और येन और करेंसी। अब देखो, रुपी जो करेंसी है वो इंडिया की है, ठीक है, पाउंड हो गई है भैया आपकी यूके की, येन हो गई है आपकी सरकार कहाँ की, जापान की। अब करेंसी ये तो मुद्रा ही है, मतलब यहाँ पे क्या ये अलग अलग करेंसीज हैं, लेकिन ये एक पूरा का पूरा कैटेगरी है, ठीक है, तो करेंसी क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्लियर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, RIM, नोकिया, MTS और BSN। अब देखो बड़े ध्यान से देखना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। RIM का मतलब क्या है, ये है रिलायंस इंडिया मोबाइल। अब नोकिया का तो पूरा नोकिया ही नाम है, MTS की भी फुल फॉर्म होती है और BSNL की भी फुल फॉर्म होती है, भारत संचार निगम लिमिटेड, ठीक है। अब एक काम करना है आपको, देखो MTS जो है, MTS जो है उसकी आपको फुल फॉर्म बतानी है मेरे को कमेंट में। आप मुझे कमेंट में ये बताओ कि MTS की फुल फॉर्म क्या होती है, ये आपका होमवर्क का काम हो गया, ठीक है। अब आते हैं उत्तर पर। देखो ये जो RIM है और MTS है और BSNL है, ठीक है, तो ये क्या है, ये एकदम शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है यहाँ पर, ठीक है, मतलब इनके बड़े बड़े नाम होते हैं, ये कहते हैं कि एक्रोनिम्स हैं, बट नोकिया एक कंप्लीट नाम है, इसका कोई भी फुल फॉर्म नहीं होती है, ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा नोकिया, ठीक है ना भाई। तो देखो हमने क्या किया है, आज की क्लास में जो वर्ड एनालॉजी के क्वेश्चंस थे, ठीक है, वर्ड सॉरी वर्ड क्लासिफिकेशन के, ठीक, तो वो मैंने कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन बनाया था, उसमें मैंने यहाँ पे आपके साथ डिस्कशन किया है, ठीक है। अब इसकी कैटेगरी अनलिमिटेड होती है, ठीक है, अनलिमिटेड, तो इसको करने के लिए आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, ठीक है, जितना आप ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके अंदर इम्प्रूवमेंट होगा और उतना ज़्यादा चीज़ों को आप समझने लगेंगे, मतलब कि जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो आपका इंक्रीज हो जाएगा, वो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो भाई इसमें मैं इतना ही कर सकता था, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये मेरे एंड पे नहीं होगा। मेरे एंड पे क्या था, लेटर थे और नंबर क्लासिफिकेशन था, जो मैंने बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, और जो अगली क्लास होगी वो होगी हमारे पास सीरीज़ की, मैं अगली क्लास में सीरीज स्टार्ट करूँगा पार्ट 1 से लेकर, ठीक है। तो आज की क्लास 13 ये थी, 12 क्लास हम ऑलरेडी कर चुके हैं, और अपने दोस्तों को वीडियो शेयर जरूर करें जो भी UPSI और ASI की तैयारी करते हैं, ठीक है। इंस्टाग्राम और फेसबुक आप हमें फॉलो कर सकते हैं, और सर्व अकेडमी के यूट्यूब के चैनल पे आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिएगा, फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक आप खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा और पढ़ते रहिएगा।